बोले बाबा हम तो सिकंदर, दुर्लभ सब्जी तेल सिलेंडर, जनता त्राहिमान है, पब्लिक त्राहिमान है, ये ससुरी महंगाई से, सेवक के सेवकाई से ना। ये वही मोदी भक्त दिव्यांग अभय हैं, जिनकी मिमिक्री और गाना सुनकर पीएम मोदी ने इनकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब ये योगी सरकार से बेहद नाराज हैं। रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में, अपने सांसों पर कहीं अब लग न जाए बोलियां। दरअसल सोच ईमानदार काम दमदार का नारा लगाने वाली योगी सरकार में बनारस में नेत्रहीनों के लिए चल रहे श्री हनुमान प्रसाद नेत्रहीन विद्यालय को बंद करने की साजिश चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में नेत्रहीनों के लिए 4 स्कूल हैं, जिसमें बनारस का ये विद्यालय सबसे बड़ा है। अब इस विद्यालय को कुछ व्यापारी बंद करने की साजिश रच रहे हैं। हमारे भावी पीढ़ी पर एक खतरा मंडरा रहा है और ये शिक्षा से भिक्षा के पथ की ओर उन्हें ले जाने का मैं समझता हूँ कि प्रयास है, और जिसको हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा की राजधानी में होना शोभनीय नहीं समझते। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के वाकिए होंगे। अच्छा, वाकिए होंगे तो कम से कम दरवाजा खटखटाए तो सरकार सुने, लेकिन ट्रस्ट और सरकार दोनों ही मिलकर के हमारे समाज के लिए ये एक दुखद निंदनीय काम कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक और जिसके पास भी जा सकते थे वहाँ ये छात्र अपना दर्द लेकर गए, लेकिन योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इनके साथ क्या किया, वो भी आप इन्हीं से सुन लीजिए। हम केशव प्रसाद मौर्य तक मिलने गए थे, मतलब जनता दरबार में, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मतलब जैसे कोई ध्यान नहीं, जैसे भगवान अपने भक्तों की समस्या जमीन पर बिठा कर सुन रहा है, खुद सिंहासन पर बैठा है और सुन लिया, हो गया, खत्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने जिला प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर फैक्स किया, मेल किया और बाई पोस्ट भेजा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। विज्ञापनों में योगी सरकार के बड़े बड़े दावे तो आपने देखे ही होंगे। योगी सरकार ने ये भी दावा किया है कि उसने यूपी की अर्थव्यवस्था को देश में दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है, तो फिर सिर्फ 60 लाख के लिए इस स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है? इसका जवाब जब इन नेत्रहीन छात्रों ने प्रशासन से पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के अफसरों को मिल के जाके, बल्कि हमें उल्टा डांट रहे हैं। और दूसरा ये है ना कि अभी जिला प्रशासन से डीएम साहब का एक मैसेज भी आया कि वो छात्र, वो जो स्कूल है उसको छोटा किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। मतलब ये शर्मनाक बात देखिए कि उसको प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है ऐसे खुल के। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर जनता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि योगी सरकार में सिर्फ युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों का ही उत्पीड़न नहीं हुआ है, बल्कि दिव्यांगों को भी इस सरकार में नहीं बख्शा गया है। दुख में नाव एक कृषक और बुनकर, सत्ता देश मगन है सुनकर, अब तो नेत्रहीन भी वंचित हुए पढ़ाई से, सेवक की सेवकाई से ना। अब तो नेत्रहीन भी वंचित हुए पढ़ाई से, सेवक की सेवकाई से ना।